हेलो फ्रेंड्स, योर गाय टीवी हेल्थ प्लस एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे हमारा समाज आधुनिकता की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें बसने वाले लोगों में मानसिक रूप से तनाव भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया में बसने वाली बड़ी आबादी आज किसी न किसी मानसिक तनाव से ग्रस्त है। दरअसल उदारीकरण के दौर और शहरीकरण की होड़ के चलते देश में तेज़ी से बदलाव आए हैं। आगे बढ़ने की अंधी होड़, संयुक्त परिवार का विघटन, न्यूक्लियर परिवार से भी एक कदम आगे पारिवारिक कड़ी के कमज़ोर होने और कार्यस्थल की परिस्थितियों के चलते लिविंग जैसी स्थितियों ने व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने दिया है। देखा जाए तो अब ऐसा वक्त आ गया है जब संबंध नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। एक ही मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले एक दूसरे को नहीं जानते। पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। इसके साथ ही सबसे नकारात्मक बात ये है कि प्रतिस्पर्धा की अंधी होड़ में सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। एक बात साफ है कि डिप्रेशन की ये समस्या आधुनिकता की देन है। यह भी स्पष्ट है कि डिप्रेशन की समस्या केवल और केवल हमारे देश की नहीं है, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि आज डिप्रेशन की समस्या वैश्विक होती जा रही है। सहज संवाद के माध्यम मोबाइल के फीचर्स एडिक्ट बनाते जा रहे हैं। खेलों की नई खोज, वीडियो गेम्स स्वयं तनाव का कारण है। ये वास्तव में गंभीर चिंतन, मनन और मंथन का विषय हो गया है। आज हालात यह होते जा रहे हैं कि आमने सामने बात करने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। संवाद कहीं खोता जा रहा है। एक दूसरे की मनोदशा और विचारों को साझा ही नहीं किया जा रहा। ऐसे में डिप्रेशन का शिकार होना आम होता जा रहा है। 90% लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। हमारे देश में डिप्रेशन के नियमित इलाज का माहौल अभी नहीं बन पाया है। इसका एक प्रमुख कारण डिप्रेशन के विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होना है। वहीं लोगों में अवेयरनेस नहीं होने के कारण भी इलाज नहीं करा पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी पहचान और जाने कैसे खुद को और अपनों को इसकी चपेट से बचाया जा सकता है। प्रवीण बॉबी, नफीसा जोसेफ, दिव्या भारती, जिया खान और MS धोनी जैसी फिल्मों में काम करने वाले नवोदित और उभरते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने जगमगाते जीवन के अंधेरे को एक बार फिर उजागर कर दिया है। क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन की स्थिति तब होती है जब हम जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक रूप, नेगेटिव एटीट्यूड से सोचने लगते हैं। जब यह स्थिति चरम पर पहुंच जाती है तो इंसान को अपनी ज़िंदगी बेकार लगने लगती है और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। चिंता और तनाव के कारण शरीर में कई हार्मोन्स का लेवल बढ़ता जाता है, जिनमें एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल प्रमुख हैं। लगातार स्ट्रेस या तनाव और चिंता या टेंशन की स्थिति डिप्रेशन या अवसाद में बदल जाती है। डिप्रेशन कई बार थोड़े से समय के लिए ही रहता है। कभी यही डिप्रेशन एक भयानक रूप ले लेता है। यदि यह लक्षण 2 हफ्तों से ज़्यादा रह रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्या आप तो नहीं हो रहे डिप्रेशन का शिकार? पहचानिए लक्षण: निरंतर चिंता करना, नकारात्मक विचार आना, खुश न रहना, स्ट्रेस लेना, मांसपेशियों में दर्द रहना, स्वभाव में चिड़चिड़ा होना, मनोस्थिति में बदलाव, खाना निगलने में मुश्किल, भूख ना लगना, शरीर में थकावट रहना, सुसाइड या आत्महत्या के विचार, ये सभी लक्षण डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण हैं। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन अलग अलग वजह व रूप से दर्शाई जा सकती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ये परेशानी ज़्यादा और जल्दी घर करती है। मोटे अनुमान के अनुसार 10 पुरुषों में एक, जबकि 10 महिलाओं में हर 5 को डिप्रेशन की आशंका रहती है। ऐसा माना जाता है कि पुरुष अपना डिप्रेशन स्वीकार करने में संकोच करते हैं, जबकि महिलाएं दबाव और शोषण के चलते जल्दी डिप्रेशन में आ जाती हैं। बुजुर्गों में डिप्रेशन अकेलेपन या किसी अन्य बीमारी जैसे हार्ट डिजीज़ या कैंसर की वजह से हो सकती है। बच्चों में डिप्रेशन बहुत आम पाया जा रहा है।
माता पिता की उम्मीदों पर पढ़ाई में खरे ना उतरना, घर में दो बच्चों की तुलना से किसी एक बच्चे में डिप्रेशन आ जाना, माँ बाप के आपसी संबंध ठीक ना रहने से बच्चे में डिप्रेशन आ जाना बहुत आम है। तो जानिए कैसे दे डिप्रेशन को मात। डिप्रेशन के समय इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला और वह इंसान अपनी हार मान लेता है। यदि डिप्रेशन ज़्यादा है तो दवा का सहारा और मनोवैज्ञानिक की सलाह लेने में कभी संकोच ना कीजिए, परंतु ये साफ होना चाहिए कि इस बीमारी का इलाज केवल दवाओं से खोजना नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं सामाजिक माहौल में ही इसका हल छुपा हुआ है। हमें नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाकर डिप्रेशन को हराना है। इसके लिए मामले से ध्यान हटाएं। इस योजना में उस स्थिति या समस्या से अपना ध्यान हटा लीजिए और खुद को दूसरे काम में बिजी रखिए। उस समस्या के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए जिससे आपको शांति मिलेगी। डिप्रेशन की वजह जानें। अगर आप डिप्रेशन का समाधान चाहते हैं तो डिप्रेशन की वजह को जानने की कोशिश करें। इसके बाद इसे कहीं लिख सकते हैं। फिर सोचें कि इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन हो सकता है। अगर पॉसिबल हो तो उस पर जल्द से जल्द अमल करना शुरू कर दें। फ्यूचर की टेंशन ना लें। कल क्या होगा परेशानियों को बढ़ावा देता है, इसलिए हमेशा आज में जिएं, क्योंकि प्रेजेंट ही रियलिटी है और उसे बेहतर करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करने से आपका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारा हर दिन और हर पल हमें कुछ ना कुछ नई बातें सिखाता है और परेशानियों और दिक्कतों से लड़ना सिखाता है। चीखना। कुछ लोग हार से पैदा हुई हताशा, तनाव आदि को दूर करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। ये तनावपूर्ण स्थिति या कष्टदायी स्थिति को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। मनोवैज्ञानिक भी तनावपूर्ण स्थिति में चीखने को एक अच्छी तकनीक मानते हैं। गाने सुनना। तनाव या दबाव को दूर करने के लिए एक अच्छी तकनीक या योजना है कि व्यक्ति को गाने सुनने चाहिए। सैड सॉन्ग्स नहीं, सूदिंग सॉन्ग्स। इससे तनाव में कमी आती है और व्यक्ति तरोताज़ा हो महसूस करता है। भावनाओं को बाहर निकालिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यक्ति किसी भी समस्या से तनाव में आ सकता है। ऐसे में ये तरीका बहुत काम आता है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं को दूसरे लोगों जैसे दोस्त, भाई, बहन आदि के साथ बांटता या साझा करता है तो इससे उसका मन हल्का हो जाता है और तनाव कम हो जाता है, क्योंकि उसके मन में पैदा हुई भावनाएं निकल जाती हैं। नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। अक्सर तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति शराब, ड्रग्स, सिगरेट आदि का सहारा लेते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए तो वो उस स्थिति से दूर हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक गंभीर लत बन जाती है और एक नए तनाव को पैदा करती है। इसलिए इंसान को इससे दूर ही रहना चाहिए। प्राणायाम से दूर कीजिए डिप्रेशन। जी हाँ, अगर आप टेंशन और डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं तो रोज़ प्राणायाम कीजिए। इस योग से टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है और बुद्धि तेज़ होती है। हंसने की कला सीखिए। हंसने से स्ट्रेस का स्तर कम होता है और हमारी मांसपेशियों को आराम मिलता है। इससे फील गुड फैक्टर बढ़ता है और एंडोर्फिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है और इससे हम रिलैक्स महसूस करते हैं। अकेलेपन से छुटकारा पाएं। अकेलापन डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आपके परिवार में कोई इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है तो जितना हो सके उसके साथ समय बिताएं। ज़्यादा डिप्रेशन में अक्सर लोग आत्महत्या का विचार सबसे पहले मन में लाते हैं, इसलिए जितना हो सके उस इंसान के साथ समय बिताएं। अंत में हम फिर यही कहेंगे कि लोग अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर पर्दा डालते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी दिक्कत बताने पर वो मजाक का विषय बन जाएंगे, जो कि गलत है। यह रवैया दिक्कत को कम करने के बजाय और बढ़ा देता है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वह किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाए।
इसका इलाज मनोवैज्ञानिक तरीके से बहुत आसानी से किया जा सकता है। अपने परिवार के साथ बैठिए, दिन में साथ बिताए 10 मिनट आपको वाकिफ करा सकते हैं कि कहीं वे किसी डिप्रेशन या स्ट्रेस से जूझ तो नहीं रहे। टूटी वस्तु फिर आ सकती है, टूटा इंसान लाना मुश्किल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।